पिछले 5 दिन से महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर जो रायपुर के सदस्य बैठे हैं, 5 सदस्य लगातार यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा कि धारा 144 लगा दी गई और ये कह दिया गया कि अब यहाँ पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे कोई भी यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। उसके बाद 5 मेंबर जो है इनके ये लग रेगुलर यहाँ पर बैठे रहे, उनके प्रेजिडेंट आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 22 प्रेजिडेंट उनके तस्वीरों में देख रहे हैं, उनके बाकी सदस्य जो है वो भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे साथ। लेकिन एक शख्स जो मेरे साथ आज है वो काफी अहम है अपने में ही, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की बात करें उनके पहले और आखिरी मेरे जनरल बोल रहे हैं, वो मेरे साथ हैं, यहाँ पहुंचे हैं, बकायदा जूस पिलाया गया है, अभिनंदन किया गया है। और ये तस्वीरें जो आपने देखी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे, सीधी बातचीत हम गोवर्धन सिंह जम्बाल जी से करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या उन्होंने सोचा था कि जिस सेना में वो इतने उच्च ओहदे पर रहे, आज उनके अवकाश दिवस की जब बारी आई तो इतने साल लग गए, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, लेकिन आज तक जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी जो है वो नहीं देगी। सीधी बातचीत करते हैं गोवर्धन सिंह जम्बाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर आपका। आपसे यही जानना चाहूंगा, महाराजा हरि सिंह जी की सेना में आप इतने उच्च ओहदे पर रहे, क्या सोचा था कभी कि ये दिन देखना पड़ेगा कि उन्हीं के रियासत के अंदर उनके जन्मदिन की छुट्टी के लिए इस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा और सरकारें धारा 144 लगा देंगी कि आप बैठ नहीं सकते, उनके लिए मांग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वाकई बड़े दुख की बात है कि हमें महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और मुझे याद है जिस दिन देश ने काला समझो 49 में जून में मैं लेफ्टिनेंट था और सतवारी में था कंटोनमेंट में, तो इनको चुपचाप ये ले गए बातचीत करने के लिए नेहरू के साथ, पटेल के साथ। जम्मू वालों को, डोगरा को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ वो बातचीत करने जा रहे हैं। उनको मालूम था कि अगर उनको पता लगा कि इनको हमने किसी तरीके से जम्मू से बाहर रखना है जेएनके से, तो हो सकता है जम्मू में उस वक्त प्रजा परिषद बड़े ज़ोर शोर से थी जो आजकल बीजेपी है, और बाकी डोगरा लोग भी, उनको पता ही नहीं लगा और वहीं से उनको बॉम्बे भेज दिया कि 2-3 महीने के बाद आप वापस आ जाना, समसेत की वजह से इस चलाकी से भेजा था इनको बाहर। जब यहाँ से गए थे जून महीने 49 में, तो किसको पता था कि इसी जगह से वो गाड़ी पर चढ़ के चले गए दिल्ली और वापस नहीं आए। तो अब लोग जब ये नहीं आए और वो एक समझो एग्जाइल हो गया, तो लोग यहाँ के डोगरा लोग महसूस करते थे कि हम फेल हो गए, हमें मौका ही नहीं लगा। फिर कोई ऐसा मौका नहीं आया, जब उनकी शहादत हो गई, जब वो स्वर्गवास हो गए, तब तो लोग रोते थे। इधर मैं उनके साथ अस्थियों के साथ एयरपोर्ट से वहाँ पैलेस तक आए तो दुनिया रोती थी, और वहीं से डिमांड शुरू हुई थी कि इनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन वो हुकूमतें हमारे साथ नहीं थी, कश्मीर की हुकूमतें नहीं, उन्होंने वो बात आगे बढ़ने नहीं दी, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कर दी। जो महाराजा थे जिन्होंने रियासत अपनी हिंदुस्तान को दे दी 26 अक्टूबर को खुद दे के गए, उनकी छुट्टी का नाम नहीं। और जिन्होंने क्विट कश्मीर बोला था, जैसे क्विट इंडिया बोला था अंग्रेज़ों को, तो इन्होंने डोगरा को बोला था कश्मीर से क्विट कश्मीर, मतलब तुम निकल जाओ। फिर उनके साथ मिल के राज कर रहे हैं, अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कमाल है। ये हद है, डोगराज की सहनशीलता की हद है, मगर इतनी हद तो नहीं होनी चाहिए कि वो हमारा अभी दिल ही तोड़ दें। मैं समझता हूँ, मैं जब महाराज साहब के पास गया, 1 महीना रहा 1954 में, तो 1 महीना उनके साथ कैप्टन दीवान सिंह और मैं एक ही कमरे में रहते थे, खाना उनके साथ खाते थे, 1 महीना कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने जम्मू कश्मीर मेरी रियासत थी या कुछ बात नहीं करी, क्योंकि वो समझते थे कि अगर मैं बात करूँगा तो शायद नेहरू को तकलीफ़ होगी, इंडिया को तकलीफ़ होगी, यूएनओ में मसला गया हुआ था, ये उनकी करवानी है उन्होंने। और वहाँ एक किस्म का ऑर्डर था, वो कैप्टन दीवान सिंह जो आते थे उनको बोलते थे जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं करना इनसे। क्या कमाल है, इस किस्म के महाराजे थे। और आज हम सब उनको याद कर रहे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट, मैं तो समझता हूँ कि उनको फ़ौरन छुट्टी दे देनी चाहिए।
हाँ ये बात है कि अगर रियासत बनानी है उन्होंने और उसी दिन अनाउंस करना है 23 सितंबर को, दोनों काम इकट्ठे हो जाए, तो मुबारक है बीजेपी को, सिट को, कि वो ऐसा करें, हम भी उनके साथ शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि डोगरा बहुत दुखी होंगे और कहीं ज़्यादा गड़बड़ ना करनी पड़े, वो अच्छी बात नहीं होगी। वो महाराजा जिन्होंने इस रियासत को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, जिन्होंने बोला था मेरा धर्म इंसाफ है, अगर उनके साथ जो हमने ये हालत की और उनको इंसाफ नहीं हम दिलवा सके, तो हम डोगरा को लानत है, हमें बड़ा दुख की बात है। मुझे याद है प्रजा परिषद वाले पंडित प्रेमनाथ मेरे साथ रहते थे, हम इकट्ठे थे, थोड़े मेरे सामने ही उधर कच्ची छावनी में रहते थे, वो हर वक्त हमारे हरी सिंह जी के दरबार वहाँ पहुँच जाते थे। तब से हम तो यही समझते थे कि प्रजा परिषद महाराज हरी सिंह जी की बहुत इज्जत करते हैं, और जब ये बीजेपी बनी तो ये भी यही कहते थे। आज मालूम नहीं क्या बात हो गई है, मैं तो अभी भी कहूँगा, शायद मोदी जी को पता नहीं है या किसी ने बताया नहीं है, या ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का काम है, वो मोदी जी के साथ रहते हैं, ये उनका काम है कि ये बहुत जायज़ डिमांड है, अगर नहीं दी तो मालूम नहीं जम्मू में क्या हो जाए, ये भी कोई पता नहीं जी। तो इस वास्ते मैं यही कहूँगा कि ये बात जल्दी से माने, और हो सके तो इसको रियासत अनाउंस कर दें और 23 सितंबर को अनाउंस करें, और मुबारक मंडी फिर हम संभालेंगे। इन्होंने नहीं उसको ठीक करना, हमारी जो विरासत है। चाहूंगा आपसे मैं दारा 144, ये आमतौर पर श्रीनगर में देखा जाता था इस तरीके के हालात कि आप किट बाहर नहीं निकल सकते, ये क्योंकि वहाँ पर उस तरीके के उपलब्धि जो थे वो बाहर आते सड़कों पर निकलते, पत्थरबाजी उस तरीके के चीज़ें निकल कर, यहाँ पर तो शांतिपूर्वक महाराजा हरि सिंह जी जिनकी रियासत जे रही है, जिनका स्टैचू है, उनकी स्टैचू के नीचे छत्रछाया में ये युवा राजपूत सभा के सदस्य, ना सिर्फ युवा राजपूत सभा बल्कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, तमाम वो संगठन इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए, लेकिन उनसे आपत्ति हुई है, रातों रात फरमान निकाल दिया गया और कह दिया गया धारा 144 है, पुल पर नहीं बैठ सकते, धरना नहीं कर सकते, इस तरीके के फरमान कैसे देखते हैं इसे आप? मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे दुनिया में बाहर क्या मैसेज आएगा, हमने कोई आपने कोई बल्कि इन्होंने मैसेज दिया था कि हम कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी दुविधा हो, तकलीफ हो, हम तो ये तो इतना सोच रहे हैं। मैं अफसोस है कि उन्होंने इनके बारे में नहीं सोचा, जब इन्होंने ये फैसला किया है कि हमने बिल्कुल पुरमन, अभी भी ये पुरमन ही है जी। तो ये मैं भी ये अच्छा नहीं समझता। आपको जम्मू कश्मीर के तमाम डोगरा समय सुन रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इन युवाओं के साथ वो खड़े हों ताकि महाराजा हरि सिंह ना सिर्फ युवा रायपुर सभा की बात है बल्कि डोगरा की आइडेंटिटी की बात है कि उनकी छुट्टी मिलेगी, हमारा अस्तित्व, हमारा वर्चस्व जो है वो कायम रहेगा, किस तरीके की उनकी आइडेंटिटी रखनी है, अगर हमें उनके बारे में बताना है अपने आने वाली जनरेशन को, तो ये छुट्टी जो है वो कितनी जरूरी है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैं सभ्यता हूँ, ये इतनी ज़रूरी है। महाराजा हरि सिंह अभी तो आपके स्वाभिमान बन गए हैं, पूरे डोगरा अपने आप को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी में महसूस कर रहे हैं कि हमें ये छुट्टी मिल गई तो हमें जो 75 वर्ष की जो हमारी दुर्दशी हुई है, हम चलो मानो प्राश्चित हो जाएगा हमारा, हमें ये चाहिए। मैं खुद भी कर रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जो डोगरा वहाँ हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मोदी साहब को वहाँ जाते हैं या वहाँ से मैसेज करें कि ये डोगरा की शान के ख़िलाफ़ है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि जब जम्मू हमारे में इतना पुरअमन है, 72 साल से हमने रोका हुआ, कोई गलत बात नहीं होने दी, उन बच्चों ने जिन्होंने ये संभाला हुआ है उनके ऊपर ही आप 144 वगैरह लगा रहे हो, तो ये अभी एक मैसेज आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि पूरी रियासत, नहीं तो जम्मू पूरे, चाहे वो रजौरी है, पुंछ है, किश्तवाड़ है, कठुआ, बसोली है, वहाँ के लोग इसमें शामिल हो जाएं और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी फैसला करे कि ये छुट्टी हमें दे दें, अगर चाहें तो 26 की छुट्टी कैंसिल कर दें।
मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आपका प्रदर्शन आज सुबह भी पूंछा उसमें आपके लोगों ने किया, तमाम जगहों पर प्रदर्शन जो है वो होंगे, इस तरीके से उन्होंने कह दिया है और चुनौती दे दी है कि 23 सितंबर तक अगर छुट्टी का ऐलान नहीं होता तो प्रदर्शन जो है जम्मू के तमाम उन चौकों पर जुवा रायपुर सभा, ना सिर्फ बल्कि जुवा रायपुर सभा बल्कि तमाम वो संगठन जो उनके साथ खड़े हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, अब तो आर पार की जगह। देखिए, जब ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ हमें हमारे पास हमारा साहस बढ़ाने आती हैं तो हमारा कलेजा और बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहा तो छुट्टी बड़ी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जम्मू के डोगरों को कहना चाहूँगा, अगर ये 90-95 साल के बुज़ुर्ग हमारा साहस बढ़ाने के लिए आ सकते हैं तो तुस लोग भी करा बाहर निकलो। अगर डोगरी बचानी है, डोगरी का इतिहास बचाना है, अगर महाराजा की छुट्टी नहीं थी सारा डोगरी का इतिहास मुकी जाना है। एक बारी मैं परतियै सारे लोगों की हथ बनी अपील करना, जिले लोग आवाम जागी आवाम की गल सुननी चाहिए। जय हिंद, जय जम्मू, जय डुग्गर। मैं एक चीज एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप कितनी बार मुलाकात आपके हुए, उसमें एलजी साहब से मुलाकात किया, उन्होंने कहा कि हम कमेटी में आते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हुई। उनकी हाल ही में मुलाकात होम मिनिस्टर से हुई है एक दिन पहले का उनका दौरा है, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे थे उनमें से उन्होंने दो उठाए, एक सिक्योरिटी उठाया और एक उन्होंने उठाया जो अहम मुद्दा, उन्होंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर वो अहम मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, कि हमें डेवलपमेंट जो करी है उस पर दो बातों चर्चा करके वो वापस लौट आए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो तस्वीर को वहाँ रख ही नहीं रखे, वो तस्वीर वहाँ पर रख रहे हैं दो चीज़ें, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, इसी पर बात और इसी पर वोट देंगे, उन्होंने यही कहा है। देखिए, हम तभी तो कहते हैं कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, चुनी हुई सरकार जरूरी है, जम्मू के नुमाइंदे होने चाहिए। मैं एलजी प्रशासन को कहना चाहूँगा कि आज जम्मू में एक भी डोगरा ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है कि जो सेक्रेटरी में एडवाइज़र एलजी साहब का बन सकता है। क्या जम्मू में कोई भी नहीं है? क्या जम्मू जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोई भी वाइस चांसलर ऐसा नहीं लग सकता जम्मू में जो पढ़ा लिखा जम्मू की आवाज़ सुन सके? ये कैसी विडंबना है? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के एलजी यूपी से आए हैं, एडवाइज़र भी जम्मू का नहीं है, इससे बड़े बुरे हालात हमारे क्या हो सकते हैं? अगर जम्मू की नुमाइंदगी नहीं होगी तो जम्मू की बात रखेगा कौन? जब तक हमारी नुमाइंदगी, और मैं खास करके अपने बीजेपी के दोस्तों से कहना चाहूँगा, यार अपना ईमान मत बेचो, आप इन्नी तो गल करो कि जम्मू की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो जम्मू की नुमाइंदगी लेने से भी नहीं बोला दे हो, कौन बोलना है? सरकार तुंदी है, तुंदे मिनिस्टर ने, तुंदे एमपी ने, तुंदे होम मिनिस्टर ने, अगर तुंदी भी गल नहीं सुननी चाहिए मैं तुम्हें पहले भी आता ना युवा राजभवन में इतने आइए हो अस बात करते हैं, तुम पीछे चुनिया पहले तो नहीं बोलो अस बोलिए, लेकिन कम से कम जम्मू की एक नुमाइंदगी से दो जरा जम्मू की गल सुन सके, जम्मू के लोगों की परेशानियां सुन सके, एडवाइजर बाहर दे जो भी लड़ा इन्हें सब बाहर दे, डी सी साहब बारह दिन, डीवकॉम साहब बारह दिन, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बारह दिन, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बारह दिन, ए डी सी बाहर दे, गल समझनी कौन है? जे असें 144 लानी तो उन्हें 545 लानी है, और लानी है क्योंकि उन्हें साढ़ा डुग्गर प्रदेश कन्नै कोई लेना देना नहीं है, उन्हें डोगरे ने कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी बात है, आपको चुकनी पड़ी है, अस चुका दे, चुकते रोके अगर अस नहीं रहे साड़ी पुष्टि।